मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज और उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रियता ने उन्हें एक विशेष पहचान दी है। उज्जैन की धार्मिक नगरी से आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और तब से संगठन में सक्रिय रहकर विधायक, उच्च शिक्षा और मंत्री, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गौ सेवा और धार्मिक आयोजन की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर प्रतिदिन गौ सेवा करने की उनकी आदत उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री किसी भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में पीछे नहीं रहते, चाहे वह अखाड़े में हाथ आजमाना हो या फिर गौ सेवा करना। यह उनकी धार्मिक नगरी उज्जैन और संगठन से जुड़ाव का परिणाम है। अब बात करते हैं व्यस्तता के बावजूद धार्मिकता। तो डॉक्टर मोहन यादव अपनी व्यस्तता के बावजूद प्रदेश भर में दौरे करते हैं और गौ सेवा एवं धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उनका यह समर्पण उन्हें एक अलग पहचान देता है और उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थाओं को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री का संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह संदेश स्पष्ट है कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी यह आदतें न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखती है बल्कि समाज में भी सकारात्मकता संदेश फैलाती है। डॉक्टर मोहन यादव की यह आदतें और उनका अनोखा अंदाज उन्हें एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक नेता के रूप में स्थापित करता है। उनके कार्य और समर्पण समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है।